हाँ जी, जवाब तो आप ही के लिए जोड़ा गया है, तो आप अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? एम यू ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? यस सर। तो क्या सेशन शुरू किया जाए? आप लोगों के परमिशन के बिना जो है काम तो चलने वाला नहीं। यस सर। ओके, बढ़िया। यस सर, कितने लोग जुड़े हुए हैं, जरा दर्शक मात्र कर लिया जाए तो ठीक है, बाकी लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले कोई खुद से बताना चाहेगा या मैं जो है वो नाम लेके शुरू करूं? क्या सर? क्या? अच्छा, ये भी बताना है कि क्या बताना है? देखो, मैंने पहले बताया था ना कि एक वाइवा रिकॉलिंग के तौर पे मैं पूछने वाला हूँ। फटाफट जो है कुछ क्वेश्चंस मैं अराइज करूंगा, मैं अगर जिसको भी आंसर आएगा वो जवाब देने की कोशिश करेगा एक एक करके, फिर मैं नाम के साथ भी पूछूंगा। चलिए, फट ज्यादा की पॉइंट्स और की इंफॉर्मेशंस को ही मैं माइंड में रखूंगा और ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। ये मुझे कौन बताएगा कि आइसोटोन्स जो है क्या होते हैं? व्हाट आर द आइसोटोन्स, या कोई एग्जांपल के साथ? सर, जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं और प्रोटॉन्स आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन अलग सेम, क्या हीलियम होते और हीलियम और ट्राइटियम आइसोटोन्स कहे जा सकते हैं? न्यूट्रॉन सर। कोई जवाब देगा तो क्यों जवाब देगा उसमें मैं पूछूंगा भी। नो सर। वाई टू? क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है? ट्रिटियम चलिए ठीक है, कोवेलेंट अभी सभी लोग बोल रहे हैं, एक एक करके अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दीक्षा मुझे बताएंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में कितना होता है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लोग गायब हो जा रहे हैं क्लास से, ऐसे करोगे क्या? जो लोग जवाब देना चाहते हैं वही बता दो, फिर उसी से पूछ लेते हैं। 80 होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अब आप मुझे क्या, आप ये बताना चाहोगे कि आखिर जो वंडर वॉल फोर्स होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 0.5 0.3 2 5 0 2 5 मैंने ये पूछा ही नहीं कि किलो कैलोरी में कि किलो जूल में, ठीक है? किलो कैलोरी में तो है। आप जब भी इंफॉर्मेशन देंगे तो किलो कैलोरी और किलो जूल तो माइंड में रहते रहेंगे, ठीक है? आप तो फिर से आगे थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वंडर वॉल इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्सन दो ऐसे फोर्सेस होते हैं डिफाइन करते हैं, उसमें जो है वो दो पैरामीटर्स होते हैं। मुझे जो है वो रूपाली बताएंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन में जो रेडियस के पावर में बड़ा डिफरेंस होता है, तो किस में जो है रेडियस के पावर 6 होता है और किस में रेडियस के पावर 12 होता है? सर, मैंने प्रॉपरली वंडर वॉल सुना फोर्सेस में जो है दो फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होते हैं, और तो उसमें रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्सेस में पैरामीटर्स, जो फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन करता है और एक रिपल्सिव फोर्स को। तो अट्रैक्टिव वंडर वॉल फोर्स में रेडियस की कितने पावर में प्रोपोर्शनलिटी होती है और रिपल्सिव में कितनी होती है, किसमें पावर 6 होता है और किसमें पावर 12 होता है? की पावर 6 होती है और रिपल्सिव की पावर 12 होती है सर। और जब वहां पे हाँ, प्लस होता है तो अट्रैक्शन करता है, और जो माइनस होता है फॉर्मूला में तो रिपल्सन करता है। वंडर वॉल फोर्सेस में सर ओके, ठीक आर की पावर 12 होती है। यस है, सर, थैंक यू सर। मुझे जो है वो सिद्धार्थ बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और उसमें जो इंट्रैक्शन होता है विद द टेट्रापायरोल ग्रुप वो इंटरेक्शन कौन सा होता है? अगर आवाज क्वेश्चन ना समझ में आ रही हो तो आप बता दिया करेंगे, मैं आपको जो है वो डिस्कस कर लिया करूंगा। जो लोग नहीं जवाब देना चाहते वो भी बता सकते हैं।
आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सुना होगा, और कोई मुझे बताएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि बॉन्ड का जो डोनर और रिसिपिएंट है उसके बीच में एक एंगल स्पेसिफिक जो है वो बॉन्ड बनता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो मैं जो है वो कितना एंगल आप मैक्सिमम शो करते हो? 104.54, 104.54 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, एंगल, डोनर और मैं बॉन्ड रिसिपिएंट का बता दी, सॉरी सर। 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक वन एटी डिग्री ठीक है। सर, 180 डिग्री, सॉरी अगर अगर मैं सर। ओ एच ओ यानी कि अगर ओ एच ओ ओ एच के साथ ओ का हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूँ और एन एच के साथ एन का हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? अंकित बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रतीक्षा बताएंगी कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। कुछ लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ऐसे करोगे तो फिर मजा नहीं सर आएगा। मैं बताऊं, हाँ बताओ, सर चलो मैं ठीक। बताऊं, हाँ सर ओ एच वाला होगा स्ट्रॉन्ग और होगा, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा जो एन एच वाला होगा, जो कि फोन वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया था सर, वही उसी से रिलेटेड है ये फोन ठीक वाला है। कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। अच्छा, आप लोगों ने जो वंडरवॉल इंटरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा होगा, राइट? अभी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं उसमें क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ कि उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। एक ग्राफ प्लस 0 के ऊपर होता है और 0 के नीचे होता है। तो मुझे जो है वो रेणु बताएंगे कि कौन सा ग्राफ 0 के ऊपर, मतलब ऊपर कर्व होगा और कौन सा नीचे होगा, अट्रैक्टिव और सर रिपल्सिव मे यू मैग्नेट। प्लीज सर मे यू प्लीज रिपीट, आई जस्ट जॉइन द क्लास। ओके, वंडरवॉल फोर्सेस में एक फोर्स अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव होता है। इससे पहले मैं क्वेश्चन जो है आर के रिस्पेक्ट में पूछ चुका हूँ, अब मैं ग्राफ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ कि ग्राफ के रिस्पेक्ट में आपको बताना है 0 बेस लेवल पे, 0 के ऊपर पॉजिटिव 0 के नीचे निगेटिव होगा, तो कौन सा फोर्स वंडरवॉल का रिपल्सिव या अट्रैक्टिव में से ऊपर ग्राफ शो करेगा और कौन जो है वो नीचे शो करेगा? सर 1/r रेशियो 12 वाला ऊपर करेगा और 1/r रेशियो 6 वाला नीचे करेगा, मीन्स रिपल्सिव ऊपर एंड अट्रैक्टिव नीचे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। कौन मुझे बताएगा कि आयनिक बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में कितनी होगी? सर मे आई टेल, हाँ बताओ बताओ बताओ, 200 200 किलो कैलोरी पर मिनट। ट्रिक क्वेश्चन। 100 नहीं होगी ये, तो किलो की कैलोरी जूल नहीं, में, किलो आपने जूल जो में जवाब दिया है वो सर किलो जूल में दिया है। फोर्टी सर 40 कैलोरी, 40 सर, 40 40 40 होगी सर, 40 और किलो जूल प्रति मोल में 400 ठीक है। सर, मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो जाता है किलो कैलोरी से किलो जूल में, ओके, प्रिंसी आपने बताया अगर था आप सर। मुझे सुन रही तो आप मुझे बताएंगे कि हाइड्राजीन जो एक मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ठीक है, कोई बताना चाहेगा? सर मैं बता, हाँ, फोर फोर बनाता है फोर हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन फोर बॉन्ड, हाइड्रोजन ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कुछ और, रिएक्शन काइनेटिक्स में कौन सा ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जिसकी जो यूनिट होती है, मतलब रेट काइनेटिक्स की या रेट कांस्टेंट की, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे डिपेंड नहीं करती? सर जीरो ऑर्डर, जीरो फर्स्ट, ऑर्डर, सेकंड, कौन सा? जीरो जीरो ऑर्डर एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जिसके रेट कांस्टेंट की यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे डिपेंड नहीं करते? ऑर्डर एनीवन, रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसका जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो पर यूनिट, पर यूनिवर्स टाइम होता है, यानी पर या सेकंड में करिए या मिनट में करिए, आवर्स में करिए, लेकिन टाइम इनवर्स होता है वो होती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आपको मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में वो कौन से ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं? एनीवन? सर ओ टी एच एल टी एल टी।
जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यही तीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोस्टली पाए जाते हैं। उनमें से बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ठीक। ऑर्डर। अच्छा, सॉलिबिलिटी की बात की जाए तो वाटर में मैं आपको तीन मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि वाटर में सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। माइंड में आपके हो जाना चाहिए वाटर क्या है। मैं तीन मॉलिक्यूल्स में से एक है अमोनिया, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है ऑक्सीजन। सर अमोनिया, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा क्यों है? सर ड्यू टू पोलैरिटी अमोनिया की पोलैरिटी सबसे ज्यादा हो गई है ज्यादा इसलिए ऐसा। होगी। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ अराइज कर रहा हूँ, हालांकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक ट्रिक अप्लाई होता है कि अगर मैं एक सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम, दो सोल्यूशन डिफरेंट पीएच के मैंने रखे हुए हैं, इसमें एक सोल्यूशन का पीएच 4 रखा है मैंने और दूसरे सोल्यूशन का पीएच 10 रखा हुआ है, दोनों के वॉल्यूम को मैंने बराबर लिया हुआ है, तो जो मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच कितना होगा? लो पीएच के बराबर सर इसके सिक्स हो नियर बाय, जाएगा। देखो वो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन जब भी ऐसे केसेस बनते हैं उसमें जो रिजल्टेंट पीएच होता है वो किसके करीब आता है? लोअर पीएच के करीब, क्योंकि वॉल्यूम आपने इक्वल रखा हुआ है। अब अगर मैं दो ऐसे सोल्यूशन की बात करूं जिसमें कि वॉल्यूम मैंने बहुत ज्यादा वेरी कर दिया, मतलब जैसे आप कभी डिल्यूशन का केस देखते हो तो ऐसे केसेस में रिजल्टेंट पीएच जो है वो किसकी तरफ तरफ शिफ्ट करेगा जिसका वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम ज्यादा है ज्यादा उसकी हो? तरफ ठीक है, देखो मैं डेल्टा नाम लेके बोल रहा हूँ तो आप जवाब नहीं दे रहे हो इसलिए मैं जो है जनरली पूछ रहा हूँ, उसकी ठीक पी। है। नहीं तो नाम लेके पूछने में थोड़ा मजा आता, समझ में आएगा ना कि कौन बच्चा पढ़ गया है कौन नहीं आया, ऐसे क्लास में बैठ के मजे तो नहीं ले रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपने MgOH2 का नाम सुना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। तो मुझे पंकज बताएंगे कि व्हाट इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोलर। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? सर सेम ही कितना होगा, पॉइंट होगा? जीरो पॉइंट टू। कोई और? गलत है जवाब। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक स्ट्रेंथ जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, उसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आयन्स है वो दो आयन्स बनते हैं, एक OH पे एक माइनस बनेगा और Mg पे 2+, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो और भी अच्छी बात है। हैसलबैक इक्वेशन का कौन फॉर्मूला बताएगा? सर मैं टेल हाँ बताइए। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग इनटू ए नेगेटिव अपॉन एच ए नेगेटिव। अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन या बफर का या सॉल्ट का या बोल सकते हैं उसका जो पीएच, उसका जो है पीएच और पी के ए दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो उस केसेस में सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? सॉल्ट इक्वल टू एसिड ऐसे केसेस में सॉल्ट एसिड में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत केस देखा होगा। ये सब चीजें थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड है और आपको पढ़नी जरूरी है। चलो आप थोड़ा और आगे जाते हैं, ये बताओ कि ऐसे कौन से दो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर होता है? आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। आइसोल्यूसिन और आइसोल्यूसिन थ्रियोनिन, ठीक थ्रियोनिन है। कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन शो कर सकते हैं? एनीवन? लाइसिन छोड़ के सभी ग्लाइसिन छोड़ के तो सभी कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ, ये बताओ कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स, कौन बताएगा सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में?
माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल. मोनिक्स याद है, अमीनो एसिड भी याद होना चाहिए उसके साथ. हाँ सर, मेथियोनीन, वैलिन, कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि कीटोजेनिक नेचर के होते हैं, मतलब कीटोन बॉडी जनरेट करते हैं. एनीवन क्या जवाब देके समझ में नहीं आया? सर केएल होगा सर. ना पूरा नाम बताइए तो सही रहेगा ना. केएल तो कोई बोलेगा केएल राहुल तो नहीं. ठीक है, कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपके कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों नेचर के होते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड के साथ आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन आप जोड़ सकते हैं. सबसे हाईएस्ट पीआई किस अमीनो एसिड के साइड चेन का होता है? आर्जिनिन. ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसका आर ग्रुप का पीएच या पीकेए फिजियोलॉजिकल पीके के करीब होता है? हिस्टिडीन. हिस्टिडीन. कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि ट्राइप्रोटिक नेचर के होते हैं, वो अमीनो एसिड? सर के यानी देसी सर, DECY, अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? सिस्टीन के नाम में अगर ई इंक्लूड है तो वो मोनोमेरिक सिस्टीन होता है, और अगर ई हट जाता है तो डाइमेरिक हो जाता है. और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट फीचर शो करते हैं जिसे रिड्यूस किया जाता है एक एजेंट से. यानी अगर तोड़ना हो मुझे डाइसल्फाइड बॉन्ड को तो कौन सा एजेंट यूज करते हैं? पीटामर सेप्टेथेनॉल. पीटामर सेप्टेथेनॉल. ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? पीडीआई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीआई? प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज. कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैं आपको चार अमीनो एसिड दे रहा हूँ, इसको आपको हाईएस्ट से लोएस्ट में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई. चार अमीनो एसिड है आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन. ज्यादा से कम में जो है अरेंज करना है, सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे मिनिमम कौन होगा पीआई के बेसिस पे? आर्जिनिन, लाइसिन, 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 हिस्टिडीन एंड हिस्टिडीन. अगर हम बात करें तो जब भी हमारे पास डाइप्रोटिक अमीनो एसिड हो उनका अगर मुझे पीआई निकालना हो तो पीआई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? होगा तो उसमें आप पीआई कैसे निकालेंगे? अब जो भी तीन वैल्यूज होंगे उस हिसाब से आप प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन देखते हुए भी निकाल सकते हैं. अच्छा, किसी पेप्टाइड लार्ज पेप्टाइड की बात करें तो उस पे आप चार्ज कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसका एक मैंने प्रोसीजर बताया था, क्या वो जो है प्रोसीजर या कॉन्सेप्ट आपको याद है? हाँ जी सर. सर सबसे पहले देखना होगा वो कॉन्सेप्ट टीसी एंड एचआरके का, उसके बाद प्लस वन और माइनस वन ऐड करेंगे. अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो हम उसमें ऐड करेंगे माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी, फिर उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे. सीधे शब्दों की बात की जाए तो आप किसी भी पेप्टाइड में कैलकुलेट करिए कि कितने पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप है और कितने नेगेटिव है. मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव तक एक एक घटाते हुए चले जाइए.
और फिर हर पीके को जो पीके वैल्यूज है उन्हें उस इसी हर स्टेप के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जीरो के जो अगल बगल आएगा उसी का एवरेज ले लेंगे तो उस पे पाइप का पीआई हो जाएगा, और जिस पीएच पे आप या जिस पीके पे चार्ज पूछेगा आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके का प्रोसीजर आपको दिमाग में होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना। अगर मैं आपको जो है बेसिक तौर पे दो पीके वैल्यू दे रहा हूँ, तीन पीके वैल्यू दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपको बताना है। एक वैल्यू है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीके वैल्यू 2.16, अल्फा अमीनो की जो है 9.06 है, और आर अमीनो की जो है वो है 10.54। आपको बताना ये कौन सा अमीनो एसिड होगा अप्रोक्सीमेटली और इसका पीआई वैल्यू क्या होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जो पीके है वो है 2.16, अल्फा अमीनो के लिए जो है वो है 9.06, आर अमीनो के लिए जो है वो है 10.54। ये कौन सा अमीनो एसिड है और इसका पीआई क्या होगा। सर इसका पीआई 9.8 और ये कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, क्योंकि इसका जो आर ग्रुप का पीके है लगभग 10.5, यानी ये कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है, लाइसिन है, क्योंकि आर्जिनिन का लगभग 12 के आसपास होता है। अब आप पेप्टाइड इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, आपने पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में सुना होगा। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जो है वाटर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है या वाटर मॉलिक्यूल का जो है हाइड्रोलिसिस होता है। कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस होता है, कंडेंसेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस होगा, एक बार फिर सोचो। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस पेप्टाइड बॉन्ड जब तोड़ा जाता है तब वहां पे क्या होता है, वहां पे हाइड्रोलिसिस होती है। पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो H2O रिलीज होता है, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस है। एंडरगोनिक है कि एक्सरगोनिक है, एंडरगोनिक एंडरगोनिक है, यानी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस एंडरगोनिक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस कितनी एनर्जी लगती है इसमें, +21 21 टू 25 किलो जूल के आसपास लगता है। +25 kJ/mol अगर आपको एन अमीनो एसिड है, मान लीजिए एन का मतलब 10 अमीनो एसिड है या 20 है या 30 है, तो उसमें लीनियर और सर्कुलर में मान लेते हैं एन है तो उसमें लीनियर अगर पेप्टाइड बनेगा तो कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, और अगर जो है नहीं सर्कुलर बनेगा तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। सर, लीनियर में नाइन होगा और सर्कुलर में 10 होगा। लीनियर होगा तो एन माइनस वन हो जाएगा और सर्कुलर होगा तो एन होगा। सेम ही अच्छा, रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर प्लेनर होता है नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें आपने देखा होगा एक सी अल्फा होता है, एक जो है सी होता है, एक एन होता है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड किन दो एटम्स के बीच में बनता है, एन सी अल्फा के बीच में या सी अल्फा सी के बीच में या सी एन के बीच में या सी ओ के बीच में, सर सी ओ एन एच के बीच में सी और एन के बीच में बनता है। क्या मैं पेप्टाइड बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन को sp3 शो करूंगा या sp2 शो करूंगा। sp2 चार डाईहेड्रल एंगल्स को पेप्टाइड बॉन्ड में शो किया जाता है, फाई साई काई और ओमेगा। पेप्टाइड यस बॉन्ड के सर, लॉन्ग डाईहेड्रल एंगल को कौन सा शो करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के लॉन्ग। पेप्टाइड बॉन्ड यानी सी और एन के बीच में जो होता है वो आपका ओमेगा होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसी की वजह से सिर्फ दो ही रोटेशन पॉसिबल होते हैं, सिस या ट्रांस। ट्रांस अगर आपने सुना होगा तो, अगर आपने सुना होगा तो नॉर्मल अगर अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा तो उसमें सिस और ट्रांस का रेशियो कितना होता है, रेशियो कितना होता है, 1:1 के आसपास। अच्छा बताइए एन सी अल्फा के बीच में कौन सा डाईहेड्रल एंगल होता है, और सी सी अल्फा के बीच में। सर आपकी वॉइस कट रही है और क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा, प्रॉपर नहीं आ रही है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है सर, क्वेश्चन ही समझ नहीं समझ में आ रहा सर, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही ना इसलिए सुनाई नहीं दे रही है, को हो रही है सर। अच्छा
अभी ठीक है। सिर्फ फाइन वीडियो पॉज है क्या? हाँ ऐसा लग रहा है वीडियो पॉज ही है। अच्छा तो आप जो बात कर रहे थे मैं कि जब भी हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें सिस और ट्रांस की बात करी थी मैंने, एन सी अल्फा के बीच में डाइहेड्रल एंगल पूछा था, आपको बताना था सी सी अल्फा के बीच में कौन सा डाइहेड्रल एंगल होगा। और सी अल्फा और आर ग्रुप के बीच में कौन सा डाइहेड्रल एंगल होगा? ग्लूटाथायोन डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड? ट्राइपेप्टाइड। इसमें एक स्पेसिफिक तरीके का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या बोलते हैं? गामा पेप्टाइड बॉन्ड का नाम सुना? गामा। स्पेरेटेम के बारे में कौन बताएगा किस तरीके का पेप्टाइड है और कौन से दो अमीनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं? सर वो सिंथेटिक पेप्टाइड है और आर्टिफिशियल एसिड में रहे उसमें एस्पार्टिक एसिड, स्पेरेटेम डाइपेप्टाइड है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन। प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर मेरे पास जो है वो कोई भी अमीनो एसिड या कोई भी एक पेप्टाइड है वो 100 अमीनो एसिड का बना हुआ है, 100 अमीनो एसिड का, और हर अमीनो एसिड जो है या हर पोजीशन पे 20 तरीके के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आ सकते हैं, तो बताना है कि आखिर में उस 100 अमीनो एसिड के पास कितने नंबर ऑफ या कितने टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनने के चांसेस है वहां पर? 20 to power 100 होगा या 100 to power 20 होगा, बस इसमें बता दो। 20 to power 100 होगा क्योंकि 20 हर आप अमीनो एसिड को रजिस्टर में रखोगे तो 100 बार आपको लिखना होगा, यानी 20 to power 100 होगा। लीनियर और सर्कुलर पेप्टाइड के केसेस में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, अगर लीनियर जो है सर्कुलर मॉलिक्यूलर वेट आप पता कर लिए तो लीनियर मॉलिक्यूलर वेट में आप 18 जोड़ देंगे तो आपका जो है सर्कुलर लीनियर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर कोई भी मेरे पास n नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो तो उसमें सर्कुलर पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट माइनस 18। तो आप बताइए कि अगर एक 30 अमीनो एसिड का कोई प्रोटीन है तो उसका जो है सर्कुलर मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कोई बताएगा? ऐसे केसेस में जब इंडिविजुअल अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो आप क्या लेके चलोगे? एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और वो कितना होता है? 128 डाल्टन। अगर हम रेसिड्यू की बात नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन अगर वो रेसिड्यू की बात करेंगे तो 110 ले लेंगे, 18 ऑलरेडी घटा देंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 10 ले लेंगे। अब आपको बताना है कि जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है, रामाचंद्रन प्लॉट में क्या सारे अमीनो एसिड के लिए बराबर एरिया जो है वो डिसाइडेड है या कुछ अमीनो एसिड के लिए एरिया ज्यादा होता है कुछ के लिए कम होता है? ग्लाइसिन जो है वो डिसअलाउड एरिया में पाया जा सकता है कि वो सिर्फ अलाउड एरिया में मैक्सिमम पाया जाएगा? रामाचंद्र प्लॉट में पहले तो एरिया डिसाइड होते हैं कि कुछ तो अलाउड ही नहीं है पाई और साई एंगल के बीच में, और कुछ जो अलाउड है उसमें जो मैक्सिमम होता है वो ग्लाइसिन होता है और जो मिनिमम होता है उसे आप क्या सो करते हो? प्रोलीन। लेकिन कुछ केसेस में मॉडिफाइड अमीनो एसिड जैसे कि इसे डायलेटेड या मेथाइलेटेड अमीनो एसिड भी जो है वो मिनिमम एरिया को जो है वो कैरी करते हैं। इसमें तीन कलर्स को शो किया जाता है, एक रेड कलर, एक येलो कलर और एक व्हाइट कलर। जो व्हाइट कलर होता है वो कैसा होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब जहां पे अलाउड नहीं है। येलो कलर क्या होता है? मिनिमम अलाउड, मीडियम अलाउड हो सकता है, थोड़ा बहुत अलाउड होता है। और रेड कलर क्या होता है? मैक्सिमम अलाउड, मैक्सिमम। रामाचंद्र प्लॉट को चार पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में बांटा जाता है, उसमें आप अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट के तौर पर समझ सकते हैं। इसमें जो है अगर एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है
एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, तो अपर राइट कॉर्नर में कौन सा जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। क्वेश्चन नहीं समझ पा। अगर डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड का बना हुआ पेप्टाइड है तो अपर राइट में कौन पाया जाएगा? राइट हैंडेड अल्फा अपोजिट होगा। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा। अच्छा, एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड में बीटा शीट का जो है कोऑर्डिनेट कहां पे होगा उन चारों में से? लोअर राइट के अपोजिट होगा। अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट होगा। अगर डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड होगा तो बीटा शीट के राइट चला जाएगा, लोअर राइट। लोअर राइट हो जाएगा। राइट होगा। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए, आई रिपीट, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए पाई और साई की वैल्यू कितनी होती है या लमसम बता सकते हैं? एग्जैक्ट की जरूरत नहीं, ये दोनों नेगेटिव होती है या नहीं होती ये पता होना चाहिए कि दोनों वैल्यू कैसी होती है। राइट हैंडेड के लिए नेगेटिव होती है और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, ये जो केस है वो एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए कि डी टाइप के लिए? एल टाइप के। एल टाइप। ये एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए। अच्छा, मैं किसी भी एक हेलिकल फॉर्म को एल, मैं फाई और साई की वैल्यू -60 और -40 रख रहा हूं या -50 रख रहा हूं, तो कौन सा हेलिक्स होगा? राइट हैंडेड। अगर फाई और साई दोनों की वैल्यू में नेगेटिव रखा है तो राइट हैंडेड। अच्छा, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स जो है वो रामचंद्र प्लॉट में कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बीटा शीट में आएगा। किन में? सेकंड अपर अलाउड लेफ्ट। अपर लेफ्ट। यस, अपर लेफ्ट एंड अलाउड। अगर मुझे एक 30 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड पता है और उसके फाई और साई वैल्यूज भी पता है सारे, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि उसमें प्रोलीन नहीं हो सकता? ऐसा कुछ मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि प्रोलीन नहीं होगा अगर फाइव और साई वैल्यू पता है? पता नहीं कर सकते। हम नहीं पता कर सकते प्रोलीन है कि नहीं है। देखो, प्रोलीन और ग्लाइसिन आप पेप्टाइड में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इंडिविजुअल होगा तो उसमें सिस और ट्रांस की वैल्यू को आप बता सकते हो कि उसका जो रेशियो होगा वो 1:4 हो जाएगा रेदर देन 1:1000, लेकिन पेप्टाइड में प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हालांकि हम उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर क्या हमें अगर फाई और साई वैल्यू पता हो किसी पेप्टाइड का, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा या बीटा शीट होगा या रैंडम कॉइल होगा? बता सकते हैं या नहीं? यस बता सकते। चल, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो लोअर लेफ्ट में आ रहा है एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए तो कौन सा हेलिक्स होगा? लोअर लेफ्ट में आ रहा है तो कौन सा हेलिक्स होगा एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए? राइट हैंडेड होगा। राइट हैंडेड अल्फा। अभी बताओ, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कई तरीके के होते हैं, गामा हेलिक्स, पाई हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। इसमें से अल्फा हेलिक्स का जो एटम वाइज नाम होता है वो कौन सा होता है? N+4 3। एटम वाइज मतलब जैसे कि 2.27 3 10 3.6 13, सुना होगा 3 13 3.6 13। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किसके कौन से नंबर के CO और कौन से नंबर के NH में बनता है अल्फा हेलिक्स में? I+4। I कौन सा है? I NH है कि CO? ये भी स्पेसिफाई करो। CO I है और NH जो है I+4। बीटा सी बीटा हेलिक्स में कौन सा जो है वो बनेगा सीओ और एनएच? आई एंड आई प्लस थ्री। व्हाट अबाउट पाई हेलिक्स और आई सर? आई एंड आई प्लस फाइव, सॉरी आई प्लस आई। अच्छा, रामाचंद्र प्लॉट में मैं आपसे पूछूं तो ये जो पाई हेलिक्स और जो बीटा हेलिक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं? हाँ जी, यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है वहीं पे होता है, लोअर लेफ्ट। यस सर। ठीक है, अमीनो एसिड कौन से सबसे प्रोन होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने के चांसेस रखते हैं अल्फा हेलिक्स में? ल्यूसीन सर। मार्केल MALE जो मैंने आपको बताया था। व्हाट अबाउट द बीटा शीट? बीटा शीट में सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? WYF मैंने आपको शो किया था। अच्छा, बीटा एरोमेटिक एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों होते हैं,
उनमें से स्टेबल कौन होता है सबसे ज्यादा? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल सो बिकॉज़ उसका पोजीशन डिफरेंशिएशन होता है और उसमें बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. ये आपको बताया गया था. यस सर. और स्टेबिलिटी. ऐसे कौन से दो अमीनो एसिड है जिनके पाए जाने के चांसेस बीटा टर्न या लूप में सबसे ज्यादा होते हैं? प्रोलीन और ग्लाइसिन. सारे अमीनो एसिड की बराबर होती है टर्न और लूप में या प्रोलीन और ग्लाइसिन की ज्यादा होती है? सर टाइप 1 में प्रोलीन की होती है और टाइप 2 में ग्लाइसिन की होती है. अकॉर्डिंग टू. अच्छा बीटा टर्न सबसे ज्यादा फेवरेबल क्यों होता है? व्हाई नॉट गामा, व्हाई नॉट अल्फा? इट इज मोर स्टेबल. अगेन द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोजन, जो डोनर और रिसिपिएंट के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल होता है वो बीटा टर्न में सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा या 180 डिग्री के करीब होता है. नाउ टाइप 1 और टाइप 2 टर्न के जो है वो टाइप 1 हो या टाइप 2 टर्न हो, उनमें जो है दो शो किए जाते हैं आई प्लस 1 और आई प्लस 2. इनके बेसिस पे टाइप 1 और टाइप 2 के दो दो स्ट्रक्चर डिसाइडेबल होते हैं. तो आपको ये बताना है कि जो आई प्लस 1 और आई प्लस 2 होते हैं, अगर मैं अमीनो एसिड नंबर के बेसिस में बोलूं A1, A2, A3, A4, तो कौन से दो अमीनो एसिड के फाई और साई एंगल जो है ये डिसाइड करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 जो है कितने टाइप के हो सकते हैं? सर अगर A2 प्रोलीन होगा तो टाइप 1 और A3 ग्लाइसिन होगा तो टाइप 2. टाइप और फाई और साई किसका डिसाइड करेगा? A2 और A3 का, क्योंकि A2 और A3 ही तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए A2 और A3 जो है माइंड में रखते हैं. इसके अलावा जो है मोटिफ की हम बात करते हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ मोटिफ एंड दो में मोटिफ जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है या सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है? ऐसा कौन सा बॉन्ड एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाता है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होता? सॉरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो इन्वॉल्व रहता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं होता? आयनिक इंटरैक्शन. आयनिक है, हाइड्रोफोबिक है, डाइसल्फाइड है. टर्शियरी जो होता है उसमें इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है और क्वार्टनरी में इंटर चेन बनता है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बनता है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो उसमें इंटर चेन हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जबकि क्वार्टनरी में एक से ज्यादा होगा तो उसमें इंटर चेन भी बन सकता है इंट्रा के अलावा. यानी इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड सिर्फ क्वार्टनरी में बनता है, टर्शियरी में नहीं बनता है. ये चीज दिमाग में रखें. अच्छा अगर किसी अमीनो एसिड में किसी प्रोटीन में, नॉट अमीनो एसिड, किसी प्रोटीन में 8 सिस्टीन है और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसमें कितने तरीके के जो है वो पॉसिबल जो है वो बॉन्ड बन सकते हैं? 1/5, 100 5, 4, 1/5, 3, 5, ये तो आंसर रटा हुआ है. 4 सर रिपीटेशन नहीं है तो 4. रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 8/4 होगा, यानी 8/4 होगा, यानी 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते हैं. अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो सर 1/105 बनेगा, तो सर 105 बनेगा. और उसमें से एक बनने के चांसेस कितने करोगे? 1/5. समझे नहीं सर क्या वो डिपेंड करता है. अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे पहले के बनने के लिए 1/7, फिर दूसरे के लिए 1/5, तीसरे के लिए. देखो मैंने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए आपको बात किया था कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो बाय 2 करना होता है नंबर ऑफ सिस्टीन से, और अगर अलाउड होता है तो n-1, n-2, n-3 एड करना होता है और लास्ट में 0 तक ले जाके छोड़ देना होता है. ये फॉर्मूला ध्यान रखे रहना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, नंबर पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है. Now, ये सारे जो है चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. एक स्टेटमेंट में आपसे जो है बोल रहा हूँ और आप बताइएगा कि
जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है. इन द बीटा टर्न 10 एटम्स बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर. बीटा टर्न में हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच में 10 एटम होते हैं. सही है गलत? ट्रू और फॉल्स? रिपीट कर दीजिए. सही है. 3-10 हेलिक्स में 10 एटम होगा. All the 20 coded amino acid have equal propensity to form the beta turn. सही है गलत? Yes sir. Wrong. No sir. No sir. सही है. सारे के सारे amino acid beta turn बनाने की propensity equal है. अच्छा 3-10 helix है तो उसमें CO जो है I होगा और NH I plus 4 होगा. सही है गलत? सर रिपीट करने के लिए सर नहीं आई प्लस थ्री होगा. आई प्लस थ्री होगा सर. ठीक है चलो अब आगे जरा करने की कोशिश करें कि प्रोटीन जो है सॉलिबिलिटी की बात आती है तो प्रोटीन की सॉलिबिलिटी जब बढ़ती है तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा. प्रोटीन सबसे डिक्रीज होगा कब होगा? पीआई पे पीआई से ज्यादा है पीआई से कम या पीएच और पीआई के बराबर? जब पीआई पीएच के बराबर हो जाएगा तभी सॉल्युबल होगा. ऐसे केसेस में प्रोटीन सॉल्युबिलिटी बराबर होगा तो इक्वालिटी होगा. और ऐसे जब पीएच पीआई के बराबर होगा तो सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है और वैसे केसेस में प्रोटीन प्रेसिपिटेट होता है. इस प्रेसिपिटेशन को आप क्या नाम देते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक. अच्छा इफेक्ट ऑफ जो है टेम्परेचर से भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होता है कि नहीं होता? लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा फिनोमेना होता है? सॉल्टिंग इन या सॉल्टिंग आउट? लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन पे डिक्रीज. लोअर पे सॉल्टिंग इन होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. अगर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो ऐसे केसेस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? और क्या हो जाती है ऐसे केसेस को? क्या सॉल्ट आउट हो जाएगा? सॉल्टिंग आउट होगा. कोरेक्ट. सॉल्टिंग आउट हो जाएगा. नाउ डिनेचुरेशन की बात करते हैं. क्या प्रोटीन को डिनेचर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? डिनेचुरेशन और डिग्रेडेशन में थोड़ा डिफरेंस है. डिग्रेडेशन का मतलब कोई भी पेप्टाइड इंडिविजुअल अमीनो एसिड में टूट जा रहा है या छोटे छोटे पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करके छोटे छोटे जो है पेप्टाइड्स में टूट जा रहे हैं. और डिनेचुरेशन का मतलब है कि कोई भी जो है नेटिव प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है वो डिनेचर हो रहा है. उस केसेस में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूट रहा है. अब मुझे बताइए कि डिनेचरिंग एजेंट के तौर पर जैसे कि आपके पास टेम्परेचर है हीट है या ऐसे फिजिकल एजेंट्स है तो कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. नॉन कोवेलेंट को तोड़े. ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने वाला एजेंट कौन सा है? बीटा मरकर बीटा मरकर एथेनॉल डीडीटी का नाम सुना? सर डाइथायट्रिटोल. डीडीटी यस सर. वो भी कर सकता है. डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा. अच्छा आपने एनफिल्सन का एक्सपेरिमेंट सुना होगा. एनफिल्सन के एक्सपेरिमेंट की जब बात आती तो इन्फेक्शन के एक्सपेरिमेंट में जो है वो कौन से एंजाइम को यूज किया गया था स्टडी करने के लिए? आरएनए को यूज किया गया था और उन्होंने यूरिया और बीटा मरकर एथेनॉल को यूज किया था. और जब भी हम पहले डिनेचर करने के लिए यूरिया और बीटा मरकर एथेनॉल देते हैं तो प्रोटीन पूरा डिनेचर हो जाता है. जब हम उसे रीनेचर करते हैं तो हम स्लाइट अमाउंट ऑफ बीटा मरकर एथेनॉल यूज करते हैं. स्लाइट मतलब बहुत ही मिनिमम. ऐसा क्यों? उसका डाइसल्फाइड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डाइसल्फाइड
ताकि करेक्ट फोल्डिंग या करेक्ट जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सके, ठीक है? यस यस सर। आपने फोल्डिंग और अनफोल्डिंग की जब बात आ रही है, तो जब प्रोटीन फोल्ड कर रहा होता है तो प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कौन से अमीनो एसिड के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं? पोलर अमीनो एसिड। और जो पोलर अमीनो जो कोर होता है किसी भी प्रोटीन का, कोर हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन का जो फनल होता है सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होती है किस स्ट्रक्चर की होती है, नेटिव स्ट्रक्चर की या नॉन फोल्डिंग स्ट्रक्चर की? सबसे पहला फिनोमेना जो होता है वो फोल्डिंग का, वो कौन सा स्टेप का होता है सबसे पहला फिनोमेना? अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग, अगर मेरे पास कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है उसे फोल्ड कराना है तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पहले हाइड्रोफोबिक फोर्स को जो है वो काम करता है? पहले हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होगा तभी तो जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे साइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मेन चेन हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले बनेगा ही बनेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन हाइड्रोफोबिक कोलैप्स जो है वो मेजर फोर्स की तरह काम करता है, उसी के बाद फोल्डिंग जो है स्टार्ट होती है। और अगर इस चीज की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी अनफोल्डेड की थी और सबसे मिनिमम जो एंट्रोपी होती है नेटिव की होती है। जो सीक्वेंस होता है एनर्जी फाइल का वो कैसे होता है? U and me DNA. Unfolded, then molten, then discrete, and then native. Folding के लिए जो molecular chaperones जो है वो काम कर रहे होते हैं। Chaperones की दो फैमिली होती है 70 और 60। 70 फैमिली में 70 और 40 दो ऐसे chaperones होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। 70 मेन होता है, 40 असिस्ट करता है। इसका एनालॉग बताइए जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है 70 और 40 का। ग्रो कहानी जो है इधर की उधर हो जाएगी। ग्रो ईएस ग्रो ईएल करोगे तो ठीक है। ग्रो ईएस और ग्रो ईएल एचएसपी 60 और 10 के हैं। अब आप बताइए 60 का कौन होता है? अच्छा 60 जो होता है और 70 दोनों में से कौन अर्ली स्टेज प्रोटीन से जो फोल्डिंग करवाते हैं और कौन लेटर स्टेज में करवाते हैं? 70 एक साइकिल के लिए और किसको 180 की जरूरत पड़ती है? 60 लेकिन समटाइम्स वो डिजीज भी कॉज करते हैं, खासकर जब वो म्यूटेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, डिजीज फॉर्म में आ जाते हैं। आपको बताना है कि जो स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफेलोपैथी होती है वो ह्यूमन में किस नाम से जानी जाती है, सीप में किस नाम से जानी जाती है और काऊ में किस नाम से जानी जाती है? सर ह्यूमन में कुरु और काऊ में मैड काऊ, सीप में स्कॉर्पी। हां स्कॉर्पी। अल्जाइमर जो है वो प्रायोन रिलेटेड डिजीज है या एमाइलॉइड रिलेटेड डिजीज है? सर एमाइलॉइड। एमाइलॉइड एमाइलॉइड क्या होता है? एमोलॉइड जो होता है सर वो प्रोटीन डेंस बाउंडिंग होती है जिसमें प्रोटीन की बाउंडिंग बहुत ज्यादा होती है, उसी को एमोलॉइड फोल्डिंग कह सकते हैं। कि कई बार प्रोटीन प्रोटीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो आपस में एग्रीगेट करके एमोलॉइड फाइब्रिल्स बना देते हैं। अब बात आ जाती है कई बार प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन और सॉलिबिलिटी की। अगर प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो जब भी हम उसे प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो मुझे पैलेट में मिलेगा या सुपर एंडेड में मिलेगा? और अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, सॉल्युबलाइज ज्यादा हो रहा है तो कहाँ पे मिलेगा वो? अगर किसी प्रोटीन को मैं उसके पीआई पे ट्रीट कर दूं तो वो प्रोटीन मुझे कहाँ मिलेगा?
अगर किसी प्रोटीन को उसके पीआई पे ट्रीट कर दूं, मतलब उसके पीएच को पीआई के बराबर रख दूं, तो प्रोटीन कहां मिलने वाला है? मिलेगा सर, अगर उसे हाई सॉल्ट पे कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रीट करूं तो सुपरनेटेंट। सोचो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन करूंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? लॉजिक लगाओ पहले, सॉल्युबल भी सर पहले मिलेगा, पैलेट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सुपरनेटेंट होगा सर। इस तरीके की चीजें माइंड में रख रही रहना, ऐसा तो है नहीं कि जो है सारी चीजें इधर का उधर कर दे। ठीक है चलो अब आगे बताओ कुछ चीज। तो इन सब चीजों के अलावा जो है कई बार प्रोटीन डिग्रेडेशन की बात आती है, उसमें आपने प्रोटीजोम का नाम सुना होगा। प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन के लिए किसी प्रोटीन को एक स्पेसिफिक प्रोटीन से टैग किया जाता है, वो टैगिंग किस प्रोटीन से होती है? यूबीक्विटिन। अच्छा यूबीक्विटिन मोनो यूबीक्विटेशन होता है या मल्टी होता है या पॉली होता है? कोई भी हो सकता है, लेकिन जो डिग्रेडेशन के लिए प्रोटीन जाएगा उसके लिए पॉली यूबीक्विटेशन होता है। अच्छा यूबीक्विटेशन के लिए तीन एंजाइम एक सीरीज में काम करते हैं, E1, E2 और E3, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो लाइगेटिंग है? E3 की जो है यहाँ पे बात आती है। अच्छा यहाँ पे दो तरीके के जो है यूबीक्विटिन मॉडिफिकेशन सिस्टम होते हैं, रिंग टाइप और HECT टाइप, दोनों में कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है? रिंग इज डायरेक्ट एंड HECT इज इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कई सारे प्रोटीन्स जो होते हैं या कई जो है प्रोटीन्स बेसिक तौर पे उनपे सिग्नल्स यानी यूबीक्विटिनेशन, अगर वो पॉली यूबीक्विटिनेशन है तो वो डिग्रेड होंगे, लेकिन अगर पॉली की जगह मोनो या मल्टी यूबीक्विटिनेशन होगा तो उन प्रोटीन्स का क्या होता है? एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीजोम सिस्टम काम करता है डिग्रेडेशन के लिए? 26S प्रोटीजोम सुना है? उनमें से जो रेगुलेटरी होता है वो कौन सा सब यूनिट होता है, 20S या 19S? 90S रेगुलेटरी। 19S कैसा होता है? रिकॉग्नाइज्ड टेलेटिक, उसमें भी बीटा वाला। और 20S में उसमें भी अल्फा बीटा बीटा अल्फा होता है, तो कौन से कैटालिटिक होते हैं उसमें से? बीटा वाले। बीटा वाले, बीटा। बढ़िया। अच्छा अगर मैं किसी प्रोटीन को एसिड या एल्कलाई से हाइड्रोलिसिस करूं तो वो स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा? नॉन स्पेसिफिक। अगर मुझे स्पेसिफिक करना हो तो मैं अगर FDNB का यूज कर रहा हूं तो ये कौन सा मेथड है, सैंगर मेथड है या एडमन मेथड है? सैंगर। अगर मैं PITC का यूज करूं तो? PITC का यूज कर रहा हूं, फिनाइल आइसोथायो साइनेट, कौन सा मेथड है? अच्छा मुझे किसी भी प्रोटीन को जो है सीक्वेंसिंग करना है सैंगर या एडमन से या टेंसाइल क्लोराइड से, तो मुझे कोई प्रोटीन किसी भी साइज का चाहिए या लगभग जो है 50-60 अमीनो एसिड का चाहिए? एनीवन? कोई भी चलेगा, कोई भी नहीं चलता है, यही तो गेम है। लगभग 50-100 अमीनो एसिड के आसपास के ही पेप्टाइड को ही हम सीक्वेंस कर सकते हैं विद दीज मेथड। इसीलिए बड़े पेप्टाइड को हमें क्या करना होता है, छोटे में तोड़ना होता है। उसके लिए होता है स्पेसिफिक, एंडोपेप्टिडेजेस काम करते हैं, एक्सोपेप्टिडेजेस काम करते हैं, आपने एंजाइम सुना होगा राइट? एंडोपेप्टिडेजेस कौन से एंजाइम है जो कि आर्जिनिन, और ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आर्जिनिन और ग्लाइसिन के राइट साइड यानी सी टर्मिनल पे कट करता है? अगर एंडो हो तो ट्रिप्सिन। एंडो है तो ट्रिप्सिन। ऐसा कौन सा एंडोपेप्टिडेज है जो आर्जिनिन और ग्लाइसिन के एन टर्मिनल यानी लेफ्ट साइड पे कट करता है? कोई नहीं है, हमें जो पढ़ाया गया है, हमने जो पढ़ा है रिसर्च पे, इसके ऊपर काम चल सकता है या कुछ ना कुछ नोटिफाई हो सकता है फ्यूचर के की बात की तरह। अच्छा ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है, ऐसा कौन सा एंजाइम है या कौन सा एजेंट है जो कि WYF के सी टर्मिनल यानी राइट साइड पे कट करता है एंडोपेप्टिडेज की बात? एमोट्रिप्सिन। अगर मैं एन टर्मिनल की बात करूं तो?
पेप्सिन मिथिलिन सी टर्मिनल पे कट करने वाला एजेंट कौन सा है सर प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए मेथियोनिन के सी टर्मिनल पे कट करने वाला सिंथेटिक सीएनबीआर साइनोजन प्रोपाइल सीएनबीआर आइडोसो बेंजोएट कहां कट करता है सर सी एंड ऑफ टायरोसिन ट्रिप्टोफैन के सी टर्मिनल नॉट टायरोसिन ट्रिप्टोफैन जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा जो है हर एजेंट से डाइजेस्ट करके चेक करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इसके मैंने आपको बताया रखा अच्छा खासा चलो तो काफी कुछ आपने जो है वो देखा अच्छा कई बार कई केसेस जो आप शो करते हैं मतलब स्टडीज करते हैं उनमें आप कोई भी पेप्टाइड कोई भी सीक्वेंस जब भी आएगा तो इन एंजाइम्स का यूज करिएगा और डाइजेस्ट करके प्रॉपर चेक कर लीजिएगा आपने जो है कोलेजन का नाम सुना होगा कोलेजन जो है वो किस तरीके का प्रोटीन है डबल हेलिकल ट्रिपल हेलिकल इसमें एक स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस या रिपीटिंग यूनिट होती है उस रिपीटिंग यूनिट का ग्लाइसिन एक्स वाई एक्स कुल भी प्रोलीन एंड ग्लाइसिन एक्स वाई प्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन सर इसमें हाइड्रोक्सीलेशन होता है क्या यस सर किस अमीनो से यस सर किस अमीनो से हाइड्रोक्सीलेशन होता है प्रोलीन और लाइसिन लाइसिन का होता है और प्रोलीन का होता है क्या हाइड्रोक्सीलेशन केराटिन में होता है कोलेजन में कौन सा विटामिन है या कौन सा कोफैक्टर है जो कि कोलेजन विटामिन का जो फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं बाकी आप इसको सेल वाले स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे डिटेल में ये सारी चीजें मायोग्लोबिन कितने जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ऑक्सीजन स्टोर करता है या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इसमें बोर्स इफेक्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हील्स कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है मायोग्लोबिन के लिए बताओ इसका जो कर्व होता है काइनेटिक्स होता है तो हाइपरबोलिक है सिग्मॉइडल है सर हाइपरबोलिक है व्हाट अबाउट हीमोग्लोबिन हाइपरबोलिक सर सिग्मॉइडल यस सर सिग्मॉइडल सिग्मॉइडल है हीमोग्लोबिन में हील्स कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है 2.8 इसमें अगर जो इसका सिग्मॉइडल कर्व है अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है बढ़ती है तो ये कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा Left. बढ़ने की बजाय घटे तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा राइट अगर CO2 PPG और H+ तीनों बढ़ रहे हैं तो अफिनिटी क्या होगी डिक्रीज होगी तो कर्व किधर की तरफ शिफ्ट होगा राइट की तरफ अगर मैं pH को ज्यादा कर रहा हूँ ध्यान से सुनना क्वेश्चन को सोच समझ के जवाब देना पीएच को ज्यादा कर रहा हूँ तो कर्व किधर की तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ पीएच ज्यादा कर रहा हूँ तो एच प्लस कम कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ तो एफिनिटी ज्यादा होगी तो लेफ्ट लेफ्ट के साइड होगा बीपीजी एक्चुअली में करता क्या है कैसे एफिनिटी को डिक्रीज करता है व्हाट इज द रीजन ऑफ बीपीजी अनस्टेरिक बॉन्ड उनके साथ जिसकी वजह से जो है वो एफिनिटी को कम करता है हीमोग्लोबिन में एक डिसऑर्डर होता है जिसे आप सिकल सेल हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं उसमें जो है ऐसा कौन सा म्यूटेशन होता है और कौन सा अमीनो एसिड जो है वहाँ पे म्यूटेट होता है कौन से पोजीशन का बीटा सिक्स कौन से पोजीशन का बीटा सिक्स
सिक्स पोजीशन का, जिसकी वजह से सिकल सेल होता है। क्या सिकल सेल का कोई एडवांटेज है? यस सर, मलेरिया लेकिन कोई बहुत ज्यादा या बहुत तेजी से बनने लगता है। अच्छा, थैलेसेमिया का नाम सुना होगा, थैलेसेमिया के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है? सर, इट कुड बी डिफेक्टिव अल्फा और बीटा ग्लोबिन। कौन सा ज्यादा सीवियर है, अल्फा या बीटा? बीटा तो भी बीटा जो है वो बीटा फोर करके एक डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना सकता है, कुछ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, लेकिन बीटा थैलेसीमिया में अल्फा फोर जैसा कंडीशन नहीं बनता, मतलब वहां पे हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी परमानेंटली या बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती है। ये कहानी सब चीजें दिमाग में चल रही है, नहीं चल रही? यस सर, यस सर। तो बहुत सारी चीजें जो है ये बताओ कि रिकॉल हो पा रहा है माइंड में? देखो अगर पढ़ के आए होगे तो रिकॉल हो पा रहा हो, और नहीं पढ़ के आए होगे तो चीजें रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना होगा आपने? यस सर। तो न्यूक्लियोटाइड पे जो है नाइट्रोजनस बेसिस लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं। तो इसमें आपने जो है नाइट्रोजनस बेस का प्यूरीन रिंग की बात करो, प्यूरीन रिंग में जो पहला नाइट्रोजन होता है वो कौन जो है वो अमीनो एसिड कैरी करता है, या कौन अमीनो एसिड उसे जो है डोनेट करता है? और तीसरा और नाइन्थ वाला ग्लूटामीन का जो कौन सा नाइट्रोजन वहां पे जाता है, आर ग्रुप का या अल्फा ग्रुप का? आर ग्रुप का जाएगा, अल्फा ग्रुप का नहीं जाता। अच्छा, पिरिमिडीन में जो नाइट्रोजन होता है थर्ड नंबर का नाइट्रोजन, वो कौन सा अमीनो एसिड जो है वो डोनेट करता है? थर्ड नंबर का थर्ड का ग्लूटामीन हां, थर्ड का ग्लूटामीन। अल्फा अमीनो ग्रुप या आर अमीनो ग्रुप? आर अमाइड ग्रुप, आर ग्रुप, आर अमाइड, आर अमाइड ग्रुप। जो शुगर्स पाए जाते हैं वो शुगर जो होते हैं वो अल्फा डी राइबोज होते हैं या बीटा डी राइबोज होते हैं? शुगर के पकरिंग में जो है वो C2 इंडो पाया जाता है या C3 इंडो पाया जाता है या दोनों पाए जाते हैं? सर, C2 और C3 पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं डीएनए के रिस्पेक्ट की बात करूं तो डीएनए में तीन तरीके के डीएनए होते हैं, ए बी जेड। बी डीएनए में कौन पाया जाता है? ए बी जी। C2 एंडो, C2 पाया जाता है। C3 C3 एंडो। और जेड डीएनए में प्यूरीन के लिए क्या फायदा था? थ्री प्यूरीन के लिए C3 और पिरिमिडीन के लिए C2। अब ये बताओ कि जो न्यूक्लियोसाइड का कॉन्फ़िगरेशन सिन और एंटी की बात की जाए तो ADNA में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? एंटी। BDNA में? एंटी। और ZDNA में? प्यूरीन के लिए सिन, सिन और एंटी। प्यूरीन के लिए सिन, पिरिमिडीन के लिए और प्यूरीन सिन, एंटी, एंटी, एंटी। अच्छा, मेजर ग्रुप जो है वो ADNA के लिए कैसा होता है? प्यूरीन के लिए सिन को ए, देखो हमें सिन पिरिमिडीन के लिए हमेशा ही एंटी होगा, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे जेड हो, प्यूरीन के लिए जो है ए और बी में भी एंटी ही होगा, सिर्फ किसमें जाके सिन हो जाएगा? जेड में, क्योंकि प्यूरीन में ही सिन और एंटी हो सकता है, पिरिमिडीन में हमेशा एंटी ही होता है, दिमाग में है? यस सर। चल, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो मेजर ग्रुप होता है ADNA में कैसा होता है? वाइड, बीएनए में कैसा होता है? नैरो, नैरो, वाइडर,
कुछ भी मत बोलो वाइड होता है और सर जेड में फ्लैट होता है और जेड में फ्लैट होता है. मेजर ग्रुप की बात करो तो माइनर ग्रुप आप उसी तरीके से पलट के देख लीजिएगा. अच्छा किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना हो और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मुझे नंबर ऑफ बेसिस पता हो तो मैं नंबर ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करूंगा. हाँ जी n प्लस वन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड काउंट कर लेंगे उसमें एक जोड़ के माइनस कर देंगे. ये तो बताया था मैंने अगर 10 बेसिस का बना हुआ न्यूक्लियोटाइड है तो उस पे चार्ज कितने होंगे. माइनस 11 स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जब बात की जाती है तो उसमें कई सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व और रोजर एंड फ्रैंकलिन का रोल आपको पता ही होगा. आखिर में जो एक्सरे ग्राफ आप देखते हो वो ग्राफ किसका था. रोजालिन फ्रैंकलिन का था. रोजालिन आप मुझे बताइए कि अगर बी डीएनए का फॉर्म है तो उसमें जो एक टर्न की हाइट होती है एक टर्न की हाइट जिसे आप कभी कभी पिच भी बोलते हैं वो वैल्यू कितनी होती है. 10.4 भी अवेलेबल है. 10.5 एडीएनए में कितना होता है. 11 11 होता है. और जेड डीएनए में 12 एडीएनए में एक और वैल्यू कुछ लिटरेचर में देखने को मिलती है वो है 10.7 ध्यान रहे लेकिन आप 11 लेके चलेंगे क्योंकि मोस्ट कॉमन बन गया. क्या हमेशा डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में रह सकता है या ट्रिपल ट्रिप्लेक्स डीएनए भी बन सकता है. जब बनता है तो उसमें दो स्ट्रैंड प्यूरीन रिच होते हैं या पिरिमिडीन रिच होते हैं. प्यूरीन दो प्यूरीन रिच होगा और एक कैसा होता है पिरिमिडीन होता है. ये ध्यान रहे हमेशा. क्या क्वाडा फ्लक्स जैसा स्ट्रक्चर भी आपने सुना है डीएनए में. Yes, sir. उसमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कौन से न्यूक्लियोटाइड रिच होते हैं. गुआनिन. इसमें कोई सेंटर में मेटल पाया जाता है या नहीं पाया जाता. यस सर. कौन सा इंटरेक्शन शो करता है फिर क्वाडा फ्लक्स में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन या मेटालिक इंटरेक्शन से आपको. क्या डीएनए को डीनेचर किया जा सकता है बाय द हीट बाय अदर एजेंट्स. अच्छा डीएनए का जब डीनेचुरेशन होगा चाहे टेम्परेचर से करिए चाहे यूरिया से करिए. अच्छा यूरिया क्या करता है. इट विल चेंज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर को चेंज कर देता है. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. अच्छा डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए क्वेश्चन कई बार आता है डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे मेजर फोर्स कौन सा इन्वॉल्व होता है. आयनिक इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक किसके बीच में लगता है. हाइड्रोफोबिक किसके बीच में लगता है. सिर्फ हाइड्रोफोबिक इम्पोर्टेंट है. हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड और एज वेल एज आयनिक तीनों इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं. डीनेचुरेशन अगर चाहे किसी भी वजह से हो रहा हो चाहे वो केमिकल हो चाहे फिजिकल हो उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीजों में सिग्निफिकेंट चीजें देखने को मिलती है जैसे कि उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा आफ्टर डीनेचुरेशन. बढ़ेगा बढ़ेगा एब्जॉर्बेंस. अच्छा उसकी जो डेंसिटी या पॉइंट डेंसिटी वो क्या होती है. वो घट जाती है. ये बताओ कि अगर मैं प्योर डीएनए को क्वांटिफाई करना चाहता हूँ और अगर एक अगर यूनिट एब्जॉर्बेंस आ रहा है तो डबल स्ट्रैंड डीएनए का कितना अमाउंट होगा उसमें.
50 माइक्रोग्राम और अगर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो 40 होगा। अगर मुझे किसी भी डीएनए का साइज पता हो, मान लेते कि वो जो है वो 208 बेस पेयर का बना हो और वो एक बी डीएनए हो, तो व्हाट इज द नंबर या व्हाट इज द लिंकिंग नंबर फॉर दैट डीएनए, कैसे पता करोगे? डीएनए के साइज पता हो और बेस पेयर पर टन पता हो तो लिंकिंग नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ हेलिकल टर्न। आप साइज को अगर बेस पेयर पर टन से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा हेलिकल टर्न, यस और नो? यस सर। और लिंकिंग नंबर के बेसिस पे अगर चेंज इन द लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करते हैं, यानी लिंकिंग नंबर जब रिलैक्स स्टेट से जो है वो सुपर कॉइल स्टेट पे जा रहा है, पड़ेगा तो उस सुपर कॉइल को क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फाइनल लिंकिंग नंबर इनिशियल लिंकिंग नंबर से कम हो रहा है, यानी चेंज इन द लिंकिंग नंबर पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा या नेगेटिव होगा? सर अगर फाइनल इनिशियल से कम है तो बताना है। चेंज इन द लिंकिंग नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा सुपर कॉइलिंग हो रही है? सर पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा। और चेंज इन द लिंकिंग नंबर अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नेगेटिव होगा। अच्छा किसी डीएनए कौन सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा जो है वो लेस स्टेबल है, कैसे पता कर सकते हो? उनके बीच में मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करके। आपने वैलेस रूल का जो है वो पढ़ा होगा, क्या है फॉर्मूला वैलेस रूल का? 4 × g + c + 2 × a + t ये सब कैलकुलेट करके जो है चीजों को आप पता कर लीजिएगा। तो ये रही कुछ आपके जो है वाइवा सेशंस के कुछ क्वेश्चंस। और भी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और वाइटमिन्स में तो ज्यादा एंजाइम्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, इसलिए उनके फॉर्मूला को दिमाग में रिकॉल कर लेना, थ्योरी नहीं था इसलिए मैंने एंजाइम्स को स्किप कर दिया। तो आपने लगभग 1 घंटे जो है समय बिताया और 1 घंटे में काफी कुछ रिकॉल कर लिया, लेकिन लगभग अगर मैं और आधा घंटा दूंगा तो शायद पूरी यूनिट रिकॉल हो जाएगी। तो आप और इतने आराम से रिकॉल कर रहे थे, फिर भी आप पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि मुझे 1 घंटे में रिकॉल हो ही नहीं पाता, तो कुछ चीजें हुई या नहीं हुई, हेल्पफुल लगा? यस सर, हेल्पफुल बहुत। ठीक है, मैं बीच में जैसे समय मिलता रहेगा मैं जुड़ता भी रहूंगा बीच बीच में आपको, क्योंकि मैं मंडे से जो है नए बैच की क्लासेस शुरू हो रही, तो मैं भी जो है बीच में समय कम मिले, लेकिन मिलेगा तो मैं आपके साथ कनेक्ट करता रहूंगा। कल एक सेशन जो है मैंने ऐसे ही स्ट्रेस बस्टर के तौर पर रखा है, तो कई दिनों से मैं जुड़ा नहीं था लाइव, तो इसलिए मैं पहले आपके साथ जुड़ना सोचा कि पहले जुड़ जाता हूँ। कल एक सेशन जो है वो होगा, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं भी, यूट्यूब और टेलीग्राम साइमल्टेनियस चलेगा, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपके मन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा इन कैजुअल जो भी एंजाइटी, कई बार होता है ऐसे लास्ट स्टेजेस में जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कई सारा जो है वो आता है कि क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है कल मेरे से लाइव जो है वो अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो, खासकर स्ट्रेटेजी रिलेटेड या जो मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनना जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत दिमागी तौर पर भी जो है अपने आप को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। जितना आप शांत रहोगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दो टॉपिक कम पढ़ो लेकिन सुकून या माइंड को ज्यादा अच्छे से रखे रहो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, जितना क्लियर माइंड रहेगा उतना क्लियर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। होपफुली कि आपको जो है ये सेशन थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बीच बीच में मैं जुड़ता रहूंगा, कल जुड़ना होगा तो आप जुड़ जाइएगा और तैयारी करते रहिए फटाफट। ठीक है, तो एनी किसी को कोई डाउट है कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कल तो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा। जी बताइए। सर मैं बोल रही थी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ऐसा ही कर दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी देख लेंगे, और मैं फिलहाल जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी तो समय हमारे पास 25 अभी तो आया नहीं होगा एडमिट कार्ड वगैरह ना, तो अभी तो आएगा तो ठीक है। मैं आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके बाद रेडी करके रखे रहिएगा, कभी भी मैं जब भी करूंगा तो एक आध दिन पहले या सुबह सुबह मैं आपको, जैसे आज मैंने किया था, मैं आपको जो है बता दूंगा कि आज मैं जुड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आप रेडी करके रखे रहिएगा, कभी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो है मैं आपका वाइवा ले सकता हूँ। ठीक है, और कोशिश करना
मुझे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ। ऐसे भीड़ में जब आप पूछते हैं तो क्या होता है कि जवाब तो कुछ सही आता है लेकिन कुछ ही का सही आता है, बाकी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा, आप गलत जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो आपसे कोई मतलब आप उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे। जब आपका नाम लेके पूछा जाता तो कुछ बच्चे क्लास ही छोड़ देते, तुरंत पूछता हूँ गायब हो जाते। ऐसे करोगे तो कल को इंटरव्यू देने जाओगे, यहाँ तो मैं फेस के साथ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके वॉइस के साथ बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू में अगर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो आपको फेस के साथ बात करनी है, सो फिर आपके लिए जो है थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा। ये आपके उसी तौर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जवाब देना है, इससे आपके इंटरव्यू जैसी तैयारी है तो हो रही। और क्वेश्चन ये एग्जाम में भी हेल्प करेगा, जिस तरीके से आप गलतियां कर, कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने गलतियां करी तो उसे सीखना कि जल्दीबाजी में गलतियां नहीं करनी, पढ़ना है, कीवर्ड्स को ढूंढना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए रेडी रहिए और कोशिश करिएगा कि सब लोग जो भी क्लास में जुड़े, मैं फोर्सफुली नहीं करवा रहा हूँ, जो भी जुड़े क्लियर प्रिपेयर हो गया है कि मैं नाम लूँ तो वो जवाब दे। ठीक है, ये कोशिश करिएगा सो देट और इंटरेक्टिंग हो सकता है ना, तो पता भी तो चलेगा ना कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, विल सी यू टुमारो फॉर द थैंक यू स्ट्रेटजी सेशन सर, एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।